तो गाइज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आरएमसी प्लांट पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इस मटेरियल के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एमई साहब हमारे पास हैं, मटेरियल इंजीनियर। तो साहब आप कुछ बताएंगे मटेरियल के बारे में। देखिए दोस्तों, आरएमसी प्लांट में जब अपन कॉन्क्रीट मिक्स तैयार करते हैं तो मेनली उसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है उसमें एक होता है अपना सीमेंट, जो अपने इस ये सामने आप देख रहे हैं इस सेलो में स्टोर कर रखा होता है। ये दो सेलो है, इसमें एक में सीमेंट है और एक में फ्लाई ऐश है। जैसे आपके जो डिज़ाइन में होता है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको यूज़ करते हैं। दूसरा मटेरियल जो आता है वो अपना होता है एक तो कोर्स एग्रीगेट, जो ये जो आपको दिख रहा है इधर देखिए, ये पूरा ये जो है ये 10 mm और 20 mm है एग्रीगेट है, इसको अपन कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है इधर, ये वाला जो है ये रिवर्स सैंड है, ये अपने फाइन एग्रीगेट में आता है। अगर अपन IS कोड 383 के अकॉर्डिंग समझना चाहे तो एक जो सीव होती है 4.75 mm से जो ऊपर का पार्ट होता है कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, और 4.75 से जो नीचे का मटेरियल होता है उसको अपन फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो सर ये तो समझ में आ गया कि ये कोर्स एग्रीगेट है और ये फाइन एग्रीगेट है, लेकिन अगर हमें इसकी फिजिकली क्वालिटी चेक करनी हो तो किस तरीके से आप चेक करते हैं इसके अंदर क्वालिटी? आपका जो कोर्स एग्रीगेट है वो आपका ये ऐसे चिप्स टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों, कोर्स एग्रीगेट के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कोर्स एग्रीगेट आपका हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और अगर शेप की बात करें तो ये एकदम क्यूबिकल शेप में होना चाहिए आपका। और फ्लेकी और इलोगिनेशन की बात करें तो IS कोड में इसकी लिमिट दी गई है, जो कि आपका 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये एकदम डस्ट फ्री होना चाहिए, इसमें कोई भी नेचुरल इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेंथ की बात करें तो अपन इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, AIV जिसको बोलते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। कोर्स एग्रीगेट की AIV वैल्यू जितनी कम रहेगी उतना आपका जो एग्रीगेट है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जितनी ज़्यादा हो वो मटेरियल आपका अच्छा होता है, और जो AIV वैल्यू है वो जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है मटेरियल।